नमस्ते बच्चों, अभी तक हमने किरातार्जुन नियम के 36 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब इन 36 श्लोकों में अभी तक जो द्रौपदी है वह यही समझाने का प्रयास कर रही है कि युधिष्ठिर, आपको युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो उसी क्रम में वो आगे कह रही है, देखिए श्लोक, इमाम हम वेद न ताव की धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्त्यन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। तो क्या कह रही है वो द्रौपदी, देखिए आप बच्चों, अन्वय इसका, इमां ताव किं धियम अहम न वेद चित्तवृत्तयः खलु रूपा विचित्रः खलु आधयः परां भवदा पदं विचिन्त्यन्त्या मम चेतः रुजन्ति। तो इमाम, यह जो ताव किम, तुम्हारी धियम क्या है, बुद्धि है, उसको अहम न वेद, मैं नहीं जान पाई हूँ। क्यों क्यों नहीं जान पाई हूँ? क्योंकि चित्तवृत्तयः विचित्र रूपाः, जो ये चित्त की वृत्तियाँ हैं, वो मनोवृत्तियाँ जो होती हैं व्यक्ति की, वो विचित्र रूपाः, विचित्र रूपों वाली और विभिन्न प्रकार की होती हैं। खलु, तो निश्चित रूप से, आधयः, ये जो मनोव्यथाएँ हैं, मेरे मन की जो व्यथा है वो, पराम भवदापदम, महान आपकी आपत्ति को, विचिन्त्यन्त्या सोचते हुए या विचार करते हुए, मम चेतः मेरा जो ये मन है उसको, प्रसभम रुजन्ति बलात् ही तकलीफ दे रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो क्या कह रही है बच्चों वो द्रौपदी कि ये जो इमाम ताव किम धियम, ये जो आपकी बुद्धि है उसको अहम न वेद, मैं जान नहीं पाई हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या विचार कर रहे हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि चित्र वृत्तय खलु विचित्र रूपा, ये जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं ना, वो कैसी होती हैं, विचित्र रूपा, विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार को धारण करने वाली होती हैं। तो इसलिए जो आधेय है पराम, ये जो मेरी मन की जो महान व्यथाएं हैं, जो मुझे तकलीफ दे रही हैं, वो इस भवदापदम, आपकी आपत्ति को, विचिन्त्यन्त्या विचार करते हुए, सोचते हुए, मम चेतः, ये जो मेरा मन है उसको, प्रसभम रुजन्ति बलात् ही ज़बरदस्ती ही पीड़ित कर रही हैं। तो बच्चों वो क्या कह रही है द्रौपदी श्लोक में कि युधिष्ठिर, जो सहनशीलता है आपकी उसको देखकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को समझ नहीं पा रही हूँ। आप अपने बंधुजनों की और स्वयं की दुर्दशा को देखकर भी प्रतिशोध लेने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस प्रकार के अपमान को कभी भी सहन नहीं करता है, लेकिन संसार में विचित्र विभिन्न विचारों वाले लोग भी विद्यमान होते हैं। तो इसलिए द्रौपदी की दृष्टि में युधिष्ठिर की जो चित्त वृत्तियाँ हैं, मन के जो विकार हैं, वो भी विचित्र प्रकार के ही हैं, जो उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं। वह कह रही है कि आपकी विपत्ति के बारे में सोचने मात्र से ही मैं तो व्यथित हो जाती हूँ, किंतु आपको दुर्योधन का जो व्यवहार है और स्वयं का ऐसा कष्टमय रूप है, बिल्कुल भी अखर नहीं रहा है, आप उससे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूर्वार्ध के कारण से कार्य का समर्थन किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है बच्चों, अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। और इसका जो हिंदी में पद्य अनुवाद है
वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि द्रौपदी क्या कह रही है युधिष्ठिर को। वो कह रही है कि हे नृप, तेरी मति गति मेरी समझ में नहीं आती है, चित्त वृत्ति भी किसी किसी की अद्भुत देखी जाती है। तेरी प्रबल आपदाओं का चिंतन करती हूँ मैं, जब मनस्ताप से फट जाता है यह मेरा हृदय स्थल, तब तो ये जो मेरा मन है वो व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, जब मैं इन आपकी आपत्तियों को, आपकी तकलीफ़ों के बारे में चिंतन करने लगती हूँ। और वहीं आप इसके विपरीत इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे मानिए आपको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये इस श्लोक का अर्थ था बच्चों। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। तो द्रौपदी क्या कह रही है? पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्यसे यह स्तुति गीति मंगलई अदभ्र दर्भाम अधिशय्य स स्थलीर जिहासी निंद्राम अशिवई शिवा हरुतय। तो वो क्या कह रही है कि आप पहले किस प्रकार का जीवन जिया करते थे और अब किस प्रकार का जी रहे हैं, वही जो विभिन्नता है, विपरीतता है, वही मैं आपको बता रही हूँ, जिसको आप सुनिए कि अन्वय देखो बच्चों इसका क्या है। वो क्या कहना चाह रही है कि जो पहले व्यवहार था वो कैसा था? यह त्वम पुरा महाधनम शयनम अधिरूढ़ स्तुति गीति मंगले विबोध्यसे स त्वम इदानीम अदभ्र दर्भास्थलिम अधिशय्य अशिवई शिवारुदय निंद्राम जहासी। तो यह जो आप पूरा प्राचीन काल में, पूर्व काल में कैसे थे, महाधनम शयनम बहुत ही महंगे बिस्तर पर, बहुमूल्य बिस्तर पर अधिरूढ़ आरूढ़ हुआ करते थे, उस पर सोते थे और सोने के बाद क्या होता था, स्तुति गीति मंगलई, जो मंगल गान थे उनकी स्तुति को करते हुए ऐसे गीत गाए जाते थे और विबोध्य से आप उनके द्वारा जगाए जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अदभ्र दर्भाम, जो बहुत से कुशाओं से युक्त है, ऐसी स्थलिम भूमि पर, ज़मीन पर आप अधिशय्या शयन कर रहे हैं, अपनी रात की नींद निकाल रहे हैं। और क्या है, अशिवई, जो अच्छे नहीं हैं, मंगलकारी नहीं हैं, ऐसे शिवारुतई गीदड़ियों के आवाज़ों से निंद्राम जहासी, अपनी नींद को छोड़ रहे हो। अर्थात जो पूर्व में आप किन से जगाए जाते थे, स्तुति गीति मंगलों से जगाए जाते थे, वही आप आज गीदड़ के आवाज़ों से, उनके अमंगल, जिनको सुनना शुभ नहीं माना जाता है, उनकी आवाज़ों को सुन करके अपनी निंद्रा को छोड़ रहे हो। तो ये पूर्व काल में और आज के समय में अंतर आ गया है कि आपका जीवन पहले कैसा था और वर्तमान में आप कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब स्थितियाँ भी आपको तकलीफ़ नहीं दे रही हैं, तब भी ये आपकी चित्तवृत्तियों का ही परिणाम है कि संसार में कहा गया है कि सभी की चित्तवृत्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो इस श्लोक में जो द्रौपदी है वो युधिष्ठिर के पूर्व में जो उन्होंने सुखमय जीवन जिया था उसकी याद दिला रही हैं और वर्तमान जीवन में वो जो कष्ट का अनुभव कर रहे हैं उसको भी बता रही हैं। जो पहले राजमहलों में सुख से नींद लेते सोते थे और वो आज कैसे हैं, ज़मीन पर पड़े हुए हैं। तो जहाँ पर उनको बहुमूल्य बिस्तर मिला करता था सोने के लिए और आज वह ज़मीन पर अपनी नींद ले निकाल रहे हैं। और इस कारण से क्या हो रहा है, जो दर्भ की घास की जो तीखी नोके हैं
वो उनके चुभती रहती हैं, जिससे उनको पूर्ण रूप से नींद भी नहीं आ पाती है। और यदि आ भी जाती है थोड़ी बहुत नींद, तो क्या है, वो जो श्रृंगालियों हैं उनके कटु स्वरों से, उनका जो अमंगल गीत हैं उनके द्वारा उनकी निद्रा भंग कर दी जाती है। तो ये दोनों वर्णनों को बता करके द्रौपदी ये कहना चाह रही है कि जिस शत्रु के कारण आपकी यह दशा हुई है या आपकी यह दुर्दशा हुई है, उसका प्रतिकार करने के लिए आप तैयार हो जाइए। इसलिए ये जो श्लोक है, इसमें द्रौपदी ये कहना चाह रही है कि अब आप युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाइए। और इसी पद्य को, इसी श्लोक को पद्य के रूप में हिंदी में इस प्रकार से बताया गया है कि मूल्यवान मंजुल शैया पर पहले निशा बिताते थे, सुभग और मंगल गीतों से प्रातः जगाए जाते थे, वही आज तो कुश काशों से युक्त भूमि पर सोते हो, श्रुति कर्कश श्रृंगाल शब्दों से हाहा निद्रा खोते हो। मतलब जो अमंगलकारी गीत हैं जो श्रृंगाल के, उनके द्वारा अब आप जगाए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए हे युधिष्ठिर, आप युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाइए। ये सब बातें द्रौपदी उनको युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए कर रही हैं। तो ये दो श्लोक आज हमने देखे बच्चों, अब अगली कक्षा में हम प्रारंभ करेंगे।